हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट सिंपल लौकी की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सब्जी बनाने से पहले मैंने सोचा आप लोगों को इन प्यारे प्यारे कबूतरों को भी दिखा देती हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं ये देखने में। तो यहाँ पर मैंने लौकी को छील कर धोकर इस तरह से काट ली हूँ और यहाँ पर सूखी मिर्ची ली हूँ, लहसुन और दो प्याज ली हूँ। लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च ले सकते हैं। और यहाँ गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई अच्छे से जब गर्म हो जाए तो इसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ मैं। अब तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देना है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाली हूँ। जीरा आधा चम्मच से भी कम डालना है। 30 सेकेंड तक जीरा को भून ली हूँ मैं। इसमें अब सूखी मिर्ची डाल दी हूँ। मिर्ची डालने के बाद ही कटा हुआ लहसुन डाल देना है। लहसुन को मैंने बारीक बारीक काट ली थी। थोड़ी देर लहसुन को भूनने के बाद अब प्याज को भी डाल देना है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा करी पत्ता डाल दूंगी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको करी पत्ता का फ्लेवर पसंद है तो डालें, नहीं तो आप इसको नहीं भी डाल सकते हैं। अब प्याज को भून लेना है अच्छी तरह से। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्याज मैंने अच्छी तरह से भून ली हूँ। मैं थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ आपको कि किस तरह का प्याज रखना है हमें। तो वहाँ पर देख सकते हैं प्याज अच्छे से मैंने भून ली हूँ, बिल्कुल कलर चेंज हो गया है इसका। अब हम इसमें लौकी को डाल देंगे। तो लौकी को मैंने अच्छी तरह से छीलकर धोकर और इस तरह से काट ली थी। लौकी डालने के बाद अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। और इसमें अब मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डालूंगी। तो बहुत ही छोटे चम्मच से, एक चम्मच मैंने नमक डाली हूँ और यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ही डालें। और नमक हल्दी डालने के बाद मिक्स करके इसको ढककर 5 मिनट पकने दूंगी। 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा के सब्जी को फिर से चला ली हूँ। तो ये अभी पका नहीं है। इस सब्जी को पकने में लगभग 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें पानी है, तो अच्छी तरह से पानी सुखा लेना है। और जब तक सब्जी पकना जाए तब तक इसको पकाना है। तो गैस का फ्लेम आपको मीडियम कर देना है सब्जी पकाते समय। तो गैस का फ्लेम मैंने कम करके और इसको फिर से ढक दूंगी और जब तक सब्जी पक ना जाए इसी तरह से ढक ढक के पका लूंगी। तो थोड़ी देर बाद फिर से मैं एक बार सब्जी को चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी लगभग मेरी पक चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ। गरम मसाला डालने के बाद 2 मिनट इसको भून लेना है। तो गरम मसाला मिक्स करके और मैं ढक के 2 मिनट और पका लूँगी। 2 मिनट बाद मैं आपको सब्जी सर्व करके दिखाती हूँ। इस सब्जी को बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। 10 मिनट में सब्जी बनके तैयार हो जाती है। और बहुत ही सिंपल सी स्वादिष्ट सब्जी मेरी बनके तैयार हो गई है। खाने में ये तो काफ़ी ही टेस्टी लगता है। इस सब्जी को आप रोटी, पूरी, पराठे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। काफ़ी ही अच्छी लगती है खाने में। तो एक बार आप सब इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।